ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ନଦିଆଠାରୁ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ମମତାଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଟିଏମ୍ସିର କୁଶାସନର ସମୟ ଶେଷ ହେଲା। ସୋନାର ବାଂଲାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବ ବିଜେପି। ରୋଜଗାର ଓ ବିକାଶ ବିଜେପିର ଆଜେଣ୍ଡା। ମେ 2ରେ ଦିଦି ବିଦା ନେବେ ଓ ଏହା ସହିତ ବେଙ୍ଗଲରୁ କୁଶାସନ ଓ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ସମାପ୍ତ ହେବ ବୋଲି ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହ। हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और 2 मई को दीदी की विदाई के साथ ही सोनार बांग्ला के नए युग में भी प्रवेश करने वाले हैं। मित्रों, 2 मई को बंगाल की जनता का जो जनादेश आएगा, इसके बाद यहां पर कट मनी लेने वाला कोई नहीं रहेगा, कट मार चली जाएगी। 2 मई को जब बंगाल की जनता का जनादेश आएगा, सिंडिकेट चलाने वाला कोई नहीं रहेगा, सिंडिकेट वाली सरकार की विदाई हो चुकी होगी। 2 मई को जब आप परिवर्तन कर देंगे, भाईपो कल्याण वाली सरकार भी विदाई हो चुकी होगी। टीएमसी रा कटमनी और सिंडिकेट रा सरकार द्वारा अतिष्ठ बेंगलवासी प्रतिशोध नेबे ओ बीजेपी हाथ को शासन क्षमता देबे। गत 10 वर्ष हेला टीएमसी रा अत्याचारी और गुंडा राज रा शासन राज्य को पछ को नहीं जाइछि। बेरोजगारी और अनुन्नत शिक्षा व्यवस्था भितरे बेंगलवासी बहु पछरे पड़ जाइछंती। नदिया अंचल रे अनुप्रवेशकारी समस्या जारी रही, किंतु ममता दीदी एहाकु ने कोनोसी व्यवस्था करी नाहंती। राज्य सीमारु अनुप्रवेशकारी आसी संप्रुक्त अंचल रे विश्रुंखला सृष्टि करूतिले मध्ये दीदी केबे भी एहा उपरे नजर देई नाहंती। एपरि कि कांग्रेस कम्युनिस्ट मध्ये ए समस्या को रोकिबा को कोनोसी पदक्षेप नै नाहंती। निजर भाईपो राजनीति करूतिबा ममता नदिया रे बहु दशंधि धरि रहूतिबा मतुआ समाज और नामशूद्र समाज और अन्य शरणार्थी को नागरिकत्व देना जेते बेले कि सेमानको नागरिकत्व प्रदान करा जीवा उचित और एहाकु बीजेपी ही पूर्ण करिबो। विशेष करी राज्यर युवक मानको रोजगार क्षम करिबा, महिला मानकर उत्थान बीजेपी रा मुख्य एजेंडा बोली कहिसंती श्री शाह। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज।